Everyone, welcome to my YouTube channel Pearls Point. arch we are going to discuss about the topic antigen-antibody reaction. इसमें हम डील करेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता क्या है और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो जब भी एक एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है यानी कि व्हेन एंटीजन एंटर्स इन ह्यूमन बॉडी थ्रू इन्फेक्शन यानी कोई इन्फेक्शन के थ्रू जब बॉडी में एंटीजन आ रहा है या फिर आर्टिफिशियल मीन्स आर्टिफिशियल मीन्स का मतलब है जब हम विलिंगली किसी एंटीजन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में तो जब एंटीजन किसी इन्फेक्शन के थ्रू आ रहा है या फिर आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू आ रहा है तो ये करता है हमारी स्टिमुलेट करती है हमारी करती को उसके के लिए जिससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत यूजफुल होता है, है, है. है किसमें डायग्नोसिस पता करने में अलग अलग डिजीज के तो ये लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं परफॉर्म करते हैं जिससे हम डायग्नोसिस के बारे में जान सकें एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफेक्शियस एजेंट यानी कि कौन सा इन्फेक्शस एजेंट है कौन सा नाम है कौन सा बैक्टीरिया है वो जानने के लिए हम परफॉर्म करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को अब क्या होता है जो एंटीजन और एंटीबॉडी रहती है वो कंबाइन होती है स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली कंबाइन होने का मतलब होता है जैसे एक लॉक की एक की होती है स्पेसिफिक वैसे ही एक एंटीजन और एंटीबॉडी स्पेसिफिकली कंबाइन करती है और इनके बीच के रि इंटरैक्शंस को हम क्या बोलते हैं एंटीबॉडी रिएक्शन जिसे हम अब्रिवेट करते हैं आज एजीएबी रिएक्शन अब क्या होता है ये फॉर्म करता है बेसिस ऑफ यूमोरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी अब क्या होता है ऑब्वियस सी बात है जब कोई एंटीजन आएगा तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म होगी जो हमारी बॉडी इंटर्न प्रोड्यूस करेगी और ये क्या करेगी इम्यूनिटी यानी कि यूमोरल इम्यूनिटी को क्या करेगी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी इसीलिए ये बेसिस होता है यूमोरल इम्यूनिटी का फिर आ जाता है जब ए जी ए बी रिएक्शन होता है इन विट्रो में यानी कि लेबोरेटरी में जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो उसे हम टर्म करते हैं एज सीरोलॉजिकल रिएक्शंस तो अब हम बात करते हैं कि एजी ए बी रिएक्शन में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं तो अगर हम पहली स्टेज की बात करें तो सबसे पहला स्टेज यही होता है कि जब एक एंटीजन एंटीबॉडी के कॉन्टैक्ट में आती है तो वहां पर ए जी ए बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूलेशन होता है सेकेंड स्टेज में क्या होता है जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो हमें विजिबल इवेंट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि प्रेसिपिटेशन अग्लूटिनेशन एक्सेट्रा और थर्ड इवेंट में थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा या तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा कंप्लीटली एंटीबॉडी का या फिर हमें न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है तो इसे हम थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टेंड करते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है तो देखो जब एक एंड अब कोई भी एंटीबॉडी रहेगी वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ आ, क्या करेगी इंटरैक्ट करेगी जैसे एज आई टोल्ड तो यू अर्लियर लॉक और की की तरह जैसे एक लॉक का एक पर्टिकुलर की होती है वैसे एक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही बाइंड करेगी टू प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी लेंस लेंस एंटीजन एंटीजन के के थ्रू वो केवल साथ ही रिएक्ट करेगी ठीक है अब क्या होगा जैसे ही एंटीबॉडी ने एंटीजन को बाइंड किया तो वहां पर इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ अब क्या होगा इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी टू अ सोल्यूबल एंटीजन क्या टेंडेंसी होगी ये जो एंटीजन रहेगा ये सोल्यूबल होगा और ये फॉर्म करेगा एक इम्यून कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं एजीएबी कॉम्प्लेक्स अब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा यहां पर एजी एबी रिएक्शन देखने को मिलेगा अब क्या होता है जो पार्ट ऑफ एंटीजन जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है उसे हम बोलते हैं एपिटोम जिसे हम ऑल्सो कहते हैं क्या एंटीजेनिक डिटोमनेंट यानी कि जो पार्ट एंटीजन का जा रहा है एंटीबॉडी से बाइंड होने उस पार्ट को अपन बोलते हैं एपीटोम सेकेंड अब क्या हो रहा है जो एंटीबॉडी का पार्ट रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को उसे हम क्या बोलेंगे पैराटॉप ये मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ जैसे ये देखो इसमें क्या हो रहा है ये एंटीजन है और ये एंटीजन का अपर पार्ट है यानी कि पार्ट है जैसे हम बोलते हैं एपीटोम जो कि बाइंड होने जा रहा है एंटीजन के साथ और ये है हमारी एंटीबॉडी तो जो एंटीबॉडी का ये जो पार्ट है जो रिसीव कर रहा है एंटीजन को पहचान रहा है रिकोगनाइज कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं पैराटोप तो आई होप ये एपिटोप और पैराटोप क्लियर होगा तो यही होता है कि आ, हमें ये देखने को मिलता है कि जो पार्ट एंटीजन का जा रहा है एंटीबॉडी के पार्ट में अटैच होने एपिटोप बोलते हैं और जो रिकॉग्नाइज कर रहा है एंटीबॉडी जिसको एंटीजन को उसको हम बोलते हैं पैराटोप तो ऐसे होता है पूरा एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अब अपन बात करते हैं कुछ फ़ीचर्स के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं तो पहले भी बोला कि बहुत ही हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ ही रिएक्ट करती है फिर क्या होता है इसमें जो सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के ये रिएक्ट करते हैं ना कि फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट मतलब डिवाइड नहीं हो जाते हैं कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं फिर थर्ड पॉइंट इज देयर इज दो नो डी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी ड्यूरिंग रिएक्शन यानी कि इसमें कोई भी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता एंटीजन और एंटीबॉडी के तो डी नेचरेशन नहीं देखने को मिलता है फिर क्या होता है कॉम्बिनेशन अकर एट सर्फेस अब एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक सर्फेस पे अपन को देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो सरफेस एंटीजन आ रहा है वो इम्यूनोलॉजिकली रेलिवेंट होगा ऑब्वियस ही बात है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए फिर हम बात करें कॉम्बिनेशन जो रहता है ये फॉर्म होता है रिवर्सिबल रहता है और ये डिपेंड करता है उसकी एफिनिटी पर और एविडिटी पर अब क्या होता है एफिनिटी एफिनिटी का मतलब होता है जो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन रहती है वो होती है एफिनिटी और एविडिटी उनके बीच का जो स्ट्रेंथ रहती है उस बॉन्ड के बीच में वो होता है हमारा एविडिटी अब क्या होता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिपिटेट और अग्लूटिनेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा और जब एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन होती हैं तो एक वेरिंग प्रपोर्शन में क्या होती है कंबाइन रहती हैं अलग अलग प्रपोर्शन भी हो सकता है मतलब वेर वारी करता है वो एक दूसरे से तो ये हो गया एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन जिसमें कि हमने पढ़ा क्या क्या फीचर्स होते हैं एपिटोम पैराटोम के बारे में देखा और क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलता है वो देखा तो आई होप ये वीडियो क्लियर होगा इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिटेल में कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता क्या है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू